सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका टीम लूजर ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम आए हैं राजघाट, जो कि यमुना नदी के तट के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यदि आप यहाँ आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट, वहाँ से ई रिक्शा या वॉकिंग डिस्टेंस करके आप आ सकते हैं। और अगर मैं बस स्टॉप की बात करूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम नियरेस्ट बस स्टॉप है, वहाँ से भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 6:30 से शाम के 6 तक रहती है, और यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं रहती, तो आप यहाँ आ सकते हैं और एक्सपीरियंस ले। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले हमें जूता और चप्पल यहीं पे उतारने पड़ते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। ये दिखा दे। समाधि के पास आने के लिए यहाँ पे 4 गेट बनाए गए। पहला आप मेरे सामने देख रहे हैं, दूसरा ये गेट बनाया गया मेन, तीसरा ये गेट बनाया गया, ठीक, और चौथा गेट ये है। अब हम गांधी जी की समाधि के पास पहुँचे। मेरे पीछे आप देखिए गांधी जी की समाधि। गांधी जी की हत्या नाथुराम गोडसे द्वारा की गई थी 30 जनवरी 1948 को, और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके जो आखिरी शब्द थे, हे राम। और ये समाधि जो है ना, ये काले संगमरमर बलुआ पत्थर से बनाई गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं समाधि को। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, लेकिन एक मिनट, आप मेरे इधर देख रहे हैं कितना हरा भरा, कितना एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कितना बंजर, कितना, मतलब मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे खाद बीज वगैरह डलवाएं, घास उगाएं, कितना अच्छा लगेगा। ताकि लगता सरकार बहुत जल्दी ही मेरी सुन ली। आप देख रहे हो कितने सारे लोग यहाँ पे काम करना चालू कर दिए। ये क्या, उसके यहाँ पे घास उगाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। बीज होगा, खाद होगा, उसके बाद घास उगाई जाएगी यहाँ पे। भैया यहाँ पे मतलब ये खुदाई क्यों हो रही है? हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है? एक तरफ वो मतलब हरा भरा, और एक तरफ ये ऐसा क्यों? इसमें भी हरा भरा होगा, सरकार लगता जल्दी सुन ली। अब वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे फूल बराबर चेंज होते रहते हैं, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद। अभी ये हटा रहे हैं, फिर इसके बाद नया फूल लगा लगा। थोड़ा अंग्रेज से बात करने की कोशिश, ये एंड्रू सेवन की तरह लगता है। देखते हैं हम ये कहाँ से आया है। हेलो सर, फ्रॉम विच कंट्री आर यू? इज़राइल। इज़राइल से आए हैं? एक्चुअली टेल मी समथिंग अबाउट इज़राइल कंट्री, प्लीज वीडियो। इट्स अ गुड कंट्री। हाँ, प्लीज मेक वीडियो। इट्स अ गुड कंट्री, वी लाइक लिविंग इन इट। व्हाट डू यू से अबाउट इंडिया? इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? We traveled in India for 2 weeks. Yeah. And we liked what we see. Okay, sir. India is very colorful. About Gandhi. It's very big. It's very lovely. And it's very nice. Thank you so much, sir. Sir, you know Andrew Symon? Again, please. Andrew Symon. You know about Andrew Symon? Australia's player. Okay. No. Thank you so much for giving. You look like Andrew Symon. अभी हमने बात करा ये इसराइल के, तो कितना अच्छा लगा हमें बात करके। इन्होंने अपने कंट्री के बारे में बताया, और साथ ही साथ इन्होंने राजघाट के और भारत के बारे में बताया। ये 2 वीक से इंडिया में घूम रहे हैं, इन्होंने इंडिया को काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी जगह इन्होंने एक्सप्लोर किया। इन्होंने अपनी बताया, आपने देखा ये। मैं आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वैसे सभी भारतीयों को गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पता होता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जिले में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है।
और उनकी शादी जो है ना 13 साल की एज में करा दी गई कस्तूरबा गांधी से, जो उनसे 1 साल बड़ी है। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की, लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद वो आए और उन्होंने वो साउथ अफ्रीका भी गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया। जब उन्होंने फर्स्ट एसी का टिकट कराया तो वहाँ पर उनको अंग्रेज लोग जो है उनको निकाल दिए, उनको लात मार दी और उनकी पगड़ी जो है वो हिला दिया गया। यहाँ पे आती थी अगर मुझे छोटा कुतुबा नजर आ गया। अरे छोटा कुतुब मीनार भी है इसे, हमारे गांव में ईंटे की भट्टी बोलते हैं जहाँ पे ईंटा तैयार होता है, और ये कुतुब मीनार भी नहीं है। जब लंदन से लॉ की पढ़ाई करके गांधी जी आए वापस भारतीय, तो उन्हें काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था। जब वो साउथ अफ्रीका गए उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करने को मिला, जैसे कि प्रॉब्लम उन्हें फेस करने को मिला। जब उन्होंने एसी की फर्स्ट क्लास की टिकट कराई तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती जो अंग्रेज लोग थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। तो उन्होंने वो चीज़ फेस किया। आप सभी कहते होंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों है, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उन्होंने काफ़ी कुछ 1 साल ही नहीं बाकी काफ़ी कुछ साल वहाँ पर रहे और उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस किया, उसके बाद वो भारत आए। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए, और भारत आकर उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन उन्होंने किया, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी बड़ा रोल योगदान दिया, उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, उन्हें काफ़ी बार जेल भी ले जाया गया, बट वो हार नहीं माने, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, उन्हें बापू भी से भी जाना जाता है। और उन पर कितनी सारी फिल्में बनी है, कितनी सारी बुक्स है, कितनी सारी कंट्रियों में उनकी मूर्ति बनाई गई है। ये जगह काफ़ी शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर लता मंगेशकर का गाना चलता रहता है, आप देख रहे हैं इस साउंड में लता मंगेशकर का गाना चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ की जो सुंदरता बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे पेड़ पौधे इतने अच्छे अच्छे लगाए गए हैं, और फूल आप देख रहे हैं कितना अच्छा कुछ यहाँ पे लगाया गया, कितना अच्छा लग रहा है। आप वो देख रहे हैं हमारे जूते हैं, कोई चुरा न ले, इसलिए हम आए वापस देखने के लिए कि वो सुरक्षित स्थान पे रखे हैं कि नहीं। ये आए इतनी दूर से, इनके बैग वहीं पे रोक लिए क्योंकि भर भर के सामान लाए थे ना खाने का, है ना भाई। अब मैं तख्ते शाहजहां पे विराजमान होने जा रहा हूँ। आपने हमारी लाल किले की वीडियो देखी होगी, शाहजहां तख्ते। हाँ भाई, एंट्री तुम्हारी बंद है, जा नहीं सकते। आपने लाल किले की वीडियो देखी थी, वहाँ भी पानी की किल्लत थी, नहरें तक थे नहर में, और यहाँ पे भी पानी की किल्लत है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी हम बोलते हैं और पानी चालू करवाते हैं। यहाँ पे जो नहर है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं, और मैंने डंडा ले लिया है, देखते कितना गहरा है, इसकी गहराई ना। अरे हमारा डंडा चला गया, यानी कि काफ़ी गहरा है। राजघाट का जो एक्सपीरियंस रहा वो हमारा बहुत ही अच्छा रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये हमारा ये फल छूट गया था, ये निकाल दिया था क्योंकि अंदर जाते टाइम ले जाना नहीं होता, तो हम इसे ले रहे हैं।